ये किस तरह का गुड मॉर्निंग था? हाँ अच्छा, मुझे तुम्हारा सवाल पसंद है। तुम ही बताओ ना, ये किस तरह की गुड मॉर्निंग है? मैं इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ, ये चलेगा क्या? ऐसे करूँ, तुम जैसे कहोगी वैसे। मैं तुम्हें अपनी बाहों में ऐसे ले सकता हूँ, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। रहने भी दो, ऐसा मत कर। नहीं करूँ, मैं सब कुछ बड़ी ही खुशी खुशी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह किस कर सकता हूँ, लेकिन फिर गलत फहमी हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए। हाँ, हमेशा गलत फहमियाँ हो जाती है, और ये आपके साथ ही हमेशा गलत फहमियाँ हो जाती है ना? अच्छा, अब मैं समझा तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है। बोलो क्या कहना है? जैसे कि ज़ादा के साथ तुम्हारा फोटो, कितनी करीबी दोस्ती है ना तुम्हें। वहाँ मिस्टर मैकिनन भी थे, वो बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए थे और तभी किसी ने हमारा फोटो क्लिक कर लिया। मैं बस बात कर रहा था। सिर्फ तुम हो जिसकी मैं परवाह करता हूँ, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ तुम चाहिए। मैं भी। अच्छा सुनो, अब मुझे जाकर काम करना है। okay. मेरा मतलब है, मुझे अब काम पर कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या मुझे एक गिलास चाय मिल सकती है? ये मेरी चाय पी लो। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। लाइब्रेरी लिविंग रूम में है नेचर के फोटोज का कैटलॉग। मैंने तुम्हें दिनों में बांटा, मैंने तुम्हें महीनों में बांटा, मैं तुम्हें वर्षों में बांटूंगी और शतकों में भी। और हमेशा मैं ये कहते रहूंगी कि तुम मुझे समझो, इस प्राचीन और परखी हुई आत्मा को समझो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा खड़ा रहूंगा अपने दांत पर क्रैक एनिमल के साथ। पहले शेल्फ में लेफ्ट से 5वीं बुक। पोएम्स तो पढ़ी जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपने प्यार को कहां छिपाएंगे? तुम सिर्फ इसकी फिक्र करो, अपने हाथों से, अपनी आंखों से। मुझे माफ करना मिस्टर जॉन। डेविड, क्या तुम्हें इसकी खुशबू आ रही हो? किसके मिस्टर जॉन? अरे कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव है ये, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये एक ब्राइट आइडिया का साइन है। मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने जो भी किया वो मैंने देखा। इट्स गुड, यू नो, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर जॉन। हाय, लू सरप्राइज आ गई। Hey, what's up? क्या हाल है?
नो किसेस, मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है, ये कंटेजियस भी है। तुमने तो एजेंसी यहीं बुला ली है, मैंने मिस्टर एमरे से बात की थी, मैं तुम्हारे घर नहीं पहुंच पा रही हूं, तो उसने तुम्हारा एड्रेस बताया। क्या बात करनी है, चलो किचन में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भी बना दूंगा। हाँ चलेगा। फ्रेंड्स तुम लोग कंफर्टेबल हो ना? तुम लोग ऐसे ग्रुप में इकट्ठा क्यों बैठे हुए हो? मुझे कीबोर्ड की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है? मुझे तुम्हारी आँखों में कोई ब्राइटनेस नहीं दिखाई दे रही। तुम लोग तो कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो, चलो अपना काम करो। गुड, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। नाइस आईडिया, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम टू टाइम तुम्हें अपने एम्प्लॉइज को कुछ स्पेशल ऑफर करना ही पड़ता है। इस तरह की चेंजेस हमारी कंपनी में इंस्पिरेशन लाती है। हमेशा एक ही माहौल में काम करना यू नो एम्प्लॉइज को थोड़ा डल बना देती है। उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह के चेंजेस बहुत जरूरी है। माहौल बदलता है तो यू नो दिमाग खुलता है, नए थॉट्स आते हैं, ये कंपनी के लिए भी बेनिफिट करता है। आपके एम्प्लॉइज बहुत ही लकी हैं, उनको बहुत ही अच्छा बॉस मिला है सच में। सुनो गाइस, हम बहुत लकी है ना कि हमें मिस्टर जान जैसे बॉस मिले हैं, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा। हाँ, हाँ, वो कितने दयालु और अच्छे हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। ओ सॉरी, मैंने इंटरप्ट कर दिया बीच में। सनम, जेदा यहाँ पर गुड न्यूज लेकर आई है। मैकिनन को मेरे आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आए और हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ वो कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे, बहुत अच्छी ऑपर्चुनिटी। कर भी क्या सकते हैं, तुम इतने टैलेंटेड जो हो। मैं यहाँ एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, तो क्या मैं एक मील डिजर्व नहीं करती? यस यस ऑफ कोर्स। सनीम शांत हो जाओ ना सनीम। ठीक है तो अब मैं निकलती हूँ, हैव अ नाइस डे। ओके मैं बाहर तक। सी यू, बाय बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, सॉरी मेरा दिमाग खराब हो गया है, वरना मैं ये सब टेबल के नीचे। ओके सलीम शांत हो जाओ, ग्रीन टी पियो, तुम्हारे लिए वही अच्छी रहेगी, वो इसीलिए तो ग्रीन है, समझे ना। और क्या हो सकता था, तुम अपना रिश्ता छुपा रही हो और ज्यादा को तो कोई डर नहीं है। उसने कितनी आसानी से कहा ना कि खाना खाने बाहर जाना है। नहीं, अगर जान इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ है, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो ना क्यों कहेंगे, वो खूबसूरत है, वो तुम्हारे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, उससे नहीं। इतनी श्योर हो तुम? अपना मुंह बंद रखो वरना ये चाकू फेंक कर मारूंगी तुम्हें। तुम अपनी फीलिंग्स दूसरों से छुपाती रहो ताकि बाकी लोग खुश रहा करें। हाँ हाँ यार, मैं ये क्यों नहीं कह पाती कि मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या मुझे सबको बता देना चाहिए? पहले मैं अपनी मॉम को बताऊंगी। क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, अनबिलीवेबल। सनम जान, सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ। मैं तो ये तक नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ, ये औरत हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है, हमेशा इसका फोकस आप ही पे रहता है, ऐसा क्यों? अच्छा तो ये बात है, आप जानते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके करीब ना आ पाना कितना मुश्किल होता है। जानता हूँ। मतलब सारी दुनिया उनमें इंटरेस्ट लेती रहती है, उन्हें टच करती रहती है, लेकिन आप उनके करीब तक नहीं जा सकते, आप उनसे बात तक नहीं कर सकते। आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं हमारे बारे में जाकर सबको बताऊंगी, पहले अपनी मॉम। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से एकदम डिटरमिंड होके, लेकिन पहले जाकर अपनी मॉम को बताऊंगी, वो जरूरी है। बाय सी। गुड लक बेबी, सबसे पहले अपनी मॉम को बताना। आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया ना। कौन है? इस जान, आपने तो मुझे डरा ही दिया, मैं डर गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, और ठंड भी काफी ज्यादा है, चलो मुझे एक जगह। अरे नहीं, अरे चलो ना मेरे साथ। अच्छा सुनो, मुझे आपसे बात करनी है, मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है, मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है। तुमने सब बता दिया, I'm proud of you, क्या बात है जान। मैंने बहुत सीरियसली सोचा और एक डिसीजन लिया। तुमने डिसीजन ले लिया, अच्छी बात है। अच्छा बोलो क्या है। मुझे ना बड़ी घुटन सी हो रही है, उस दिन की बात से मैंने अपने फैमिली से झूठ बोला है, मुझे शर्म आ रही है, यहाँ तक कि ऑफिस के लोग भी मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। मैंने जो तरक्की की है मैं उस बात को भी एंजॉय नहीं कर पाती,
कल मैंने मॉम से कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्हें तो ये स्कूटर भी नहीं चाहिए जो मुझे प्रमोशन में मिला है, वो चाहती है कि मैं इसे वापस कर दूँ। ये चीज एक सपने की तरह शुरू हुई और अब ये एक बुरा सपना बन चुका है। और जान, आपको पता है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ब्रेकअप? तुम्हें ब्रेकअप करना है, पर क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, मैं आपसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, समझ गई ना? मैं जाने ही नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें टच ना कर पाऊं तो चलेगा, पर तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मॉम, मेरे आसपास के लोग मुझे फ्री नहीं रहने देंगे। तुम कुछ बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रही हो? अब क्या हमें दूसरों के हिसाब से जीना पड़ेगा? मैं जानती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है और मैं उसे आपको बता रही हूँ। मेरी मॉम जल्दी पूछना शुरू कर देगी कि शादी कब कर रहे हो, एंगेज कब हो रहे हो, तब उन्हें क्या कहेंगे हम जान? हम शादी कर लेंगे सर। कैसे? सनम, अगर तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि हम शादी कब करेंगे, तो तुम जब चाहो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था इस तरह से। मैं आप पर प्रेशर नहीं डालना चाहती, आपका जब मन होगा हम तब करेंगे, ठीक है? मुझ पर प्रेशर तब आएगा जब तुम साथ नहीं रहोगी। मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जिस वजह से तुम मेरे साथ रह सको। दोबारा ऑफिस छोड़ने की बात मत करना। नहीं जाऊंगी। कितनी बेवकूफी भरी स्माइल है तुम्हारे फेस पर, तुम्हें पता है? तुमने उस भले आदमी पर प्रेशर डाल दिया है, उसको कहने पर मजबूर कर दिया है कि शादी करते हैं, और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। सनम। यस डार्लिंग। ठीक हो ना? हाँ, हमारी बात हो चुकी है ना, हमने कई चीजों पर बात की ना? नहीं, बातें नहीं, मैंने जेन्युइनली तुम्हें प्रपोज किया। हाँ हाँ, कीजिए ना, लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना मेरे बारे में? क्या मतलब है? मतलब मुझे ये नहीं कहना था कि चलो शादी करते हैं। तो नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि चीजें अब कंफ्यूजिंग हो गई है, और कहीं आप मुझे गलत ना समझ ले, आप प्रेशराइज तो नहीं हो रहे ना? मतलब आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। मैं आप पे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, इस बात से अग्री करता हूँ, you're right। हाँ, हम दोनों की सोच एक, हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जान, हाँ? हम ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपकी आंखें कुछ खराब लग रही हैं। बेब, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है फोन पर, मेरे पास आई ड्रॉप्स हैं जो मैं डाल रहा हूँ। मेरे कॉर्निया को लेकर जरा प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करना होगा, जब मुझे वक्त मिलेगा तब कर लेंगे, फिक्र की कोई बात है ही नहीं। ऑपरेशन क्यों? तुम टेंशन मत लो, मैं करवा लूंगा। मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये ग्लासेस अगले हफ्ते तक पहनूंगा। जस्ट अ सेकंड,
जस्ट अ सेकंड। तुम भी ऐसे ग्लासेस पहनोगी अब? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे कंपनी दे रही हो, आई एम ग्लैड। यू नो, तुमसे शादी करने का फैसला आई थिंक परफेक्ट है एकदम। अच्छा, मैं ये हमेशा के लिए पहन सकती हूँ? हाँ एलिन, अब क्या बात करनी है? क्या तुमने उससे बात की एमरे? हाँ, हमने ब्रेकअप कर लिया, अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहता। एक मिनट, इधर आओ। क्या हुआ? हमने ऑफिस के लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की, हम उन्हें क्या बताएंगे? I'm sorry, क्या? जैसे कि हम लवर्स हैं, लेकिन हमने ये बात उन्हें नहीं बताई है। हमने एक डिस्टेंस बनाए रखा है, तो अब हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि लोग बातें ना बनाएं और शांति बनी रहेगी, है ना? क्या कहते हो? मुझसे अब ये सब नहीं होगा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जॉन, सब लोग देख रहे हैं हमारी तरह। मुझे कैसे पसंद होगा, ये अच्छा नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है। बिल्कुल, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही ज्यादा। ओके गाइस, जरा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो जरा ध्यान से। जो आप लोगों ने बातें सुनी है वो गॉसिप नहीं है। मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई रियली लव सनम। बहुत अच्छे। ओके, रुको। अरे मक्खी घुस जाएगी। तो आप सबको सारा सच मालूम है, कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। मुझे बस यही शेयर करना था। चलो काम पर लगो। बहुत अच्छे। मिस डेरेन। जे, आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत दर्द हुआ। मिस डेरेन, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ एग्जैक्टली? कहाँ वो तो बताइए, कहाँ? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है जे। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि वो दोनों लवर्स हैं? हाँ, उन्होंने शायद उस तरह से कहा हो। और इससे अलग क्या कहते वो? क्या वो आपको जो सुना है वैसा बोलते? हाँ उन्होंने कहा। क्या सच में उन्होंने कहा? कहा उन्होंने? हाँ बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। उन्होंने इससे पहले बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहा था। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो लवर्स है जे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। चलो मिस डेरेन, मैं कॉफी बनाता हूँ। चलिए मिस डेरेन, कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। मिस डेरेन, चलिए चलिए। देखा कितना आसान था सब कुछ। आपने तो सीधे सीधे कह दिया। आप ये सब कैसे कर पाते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं of course, मैंने सीधा तरीका अपनाया। मैं कई दिनों से ये बात शेयर करना चाहता था, मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था। यू नो, जॉन डेविड को कुछ भी कहने से पहले डरने की क्या जरूरत? मैं किसी से नहीं डरता। देखो अभी सबके सामने कहता हूं। चिल्लाना नहीं, आप तो एकदम क्रेजी है, एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हां हूं, तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। मिस्टर जॉन, सुनो मिस्टर जॉन, चलो काम पे लगते हैं। आपको काम नहीं करना है क्या? चलो काम पे लगो। हाँ तुम सही कह रही हो, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाओ अपनी डेस्क पर जाओ। हाँ सही है, मैं अपने डेस्क पर जाती। अच्छा एक बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यहीं पर आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम तुम्हारे टैलेंट और क्रिएटिविटी को कंसिडर करें तो तुम्हारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत होगी। यू नो, हमारा काम भी अच्छे से होगा और जल्दी भी हो जाएगा, और मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा। यू नो, हाँ आप मेरा एडवांटेज ले सकते हैं। मेरा मतलब है मेरी क्रिएटिविटी और मेरे टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। हाँ यही करते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी चीजों को वैसे अरेंज करती हूँ जैसा आप चाहते हैं मिस्टर जॉन।
ठीक है तो मिस्टर जॉन एज यू विश। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद एक किस्त तो बनती है। क्या हुआ? काम डाउन, किसी को पता नहीं चलेगा। जॉन ये टूट गया, जॉन ये टूट गया। I'm so sorry जान, मैं अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। I'm sorry, क्या ये मूनस्टोन है? दो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कह गए थे कि ये मून लाइट को अब्सॉर्ब करता है। डार्क साइड जो होता है वो मून का सीक्रेट पार्ट होता है, और जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी लाइटेड होता है, पॉजिटिव होता है। हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं, जो उसका डार्क पार्ट होता है वो खुद के अंदर होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसलिए तो वो कपल होते हैं, और जब से मैं घूम रहा हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मेरा बिलीफ है। इसके साथ खेलने में भी काफी मजा आता है मुझे। वेरी नाइस। ये कई बार गिरे हैं पर कभी टूटे नहीं, लेकिन आज ये टूट गए। खैर, गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए। I'm so sorry, मुझे नहीं पता ये अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। मैं तो टेबल अरेंज करने गई थी और ये गिर के टूट गया, ये बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। इससे अच्छा मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं। सनम, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कर रही हो तुम? I'm so sorry।